नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पवन इंडियंस में। दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, जो कि हम आपको अपने व्लॉग में दिखाएंगे। और वो जगह है नाला सुपारा की 2500 साल पुरानी बौद्ध स्तूप। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं इस व्लॉग में अकेले ही जा रहा हूँ, क्योंकि नवर भी नहीं है और फैमिली भी नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, और क्योंकि ठंड की वजह से उनको लेके नहीं आया क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इस वजह से मैं अकेले आया यहाँ पे। ये देखिए खेत यहाँ के, जैसे लग रहा है कि हम अपने होम टाउन में आ चुके हैं। ऐसे ही हमारे गांव का नज़ारा होता है, पतले पतले रास्ते, झाड़ियां बीच में। सो गाइस, ये देखिए यहाँ की साइकिल, जो कि हम अपने गांव में बचपन में चलाया करते थे। ये साइकिल बहुत ही, मतलब इससे ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं इन हीरो प्लस की साइकिल से, ये कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो गाइस, फाइनली हम लोग उस ऐतिहासिक जगह के मेन एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के 7 रहे हैं और यहाँ पे गेट बंद है, और देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये रही हमारी स्कूटी, जो कि आप देख सकते हो। सो गाइस, देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लॉक किया गया है, बट चलिए साइड से देखते हैं कि कहाँ से एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर के देख सकते हैं कि गेट तो बंद था, बट मैं साइड से चलूँगा क्योंकि वहाँ पे वो ओपन रहता है। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोक है, कोई अंदर आ जा नहीं सकता है या, बट ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सन, जो कि हमारे ठीक सामने पेड़ों के बीच में दिख रहा होगा, एक अलग ही खूबसूरती। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जिस पल का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, और वो स्तूप दिखाने के लिए। तो चलिए देखिए, ये है वो स्तूप। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्तूप है, आप जो सामने ईंटें देख सकते हैं, ये है 2500 साल पुरानी, जो कि आप अपने आंखों से देख सकते हैं इस लेंस के माध्यम से। मैं आपको एक बहुत ही रोचक चीज़ दिखाता हूं। चलिए आपको दिखाते हैं, ये जो ज़मीन से निकला था वो स्तंभ है, जो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत ही गौर से देखिएगा इस, ये भी 2500 साल पुरानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये रही भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जो कि बैठे हैं। दोस्तों, हमारे सामने यहाँ के गुरुजी हैं। हाँ। जो कि मैं आपको उनका इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जादव गुरुजी है, सब गुरुजी करके पहचानते हैं। यहाँ मैं 25 से आता हूँ। अच्छा। हाँ, धूप हो, बारिश हो, कोई भी मुसीबत हो, फिर भी संडे का हमारा प्रोग्राम आज तक नहीं चुका है। अच्छा। बीमार गया तो बीमार हो गया, वो तो बात की बात है, नेचुरली बात है, लेकिन इसमें सेवा में कभी खंडा नहीं हुआ। यहाँ आके हमें बहुत आनंद मिलता है, एक सुकून ही अलग ही अनुभूति अलग ही आता है। कहते हैं बंते जी हमारे पुरोहित, ये स्तूप से भगवान बुद्ध आए थे और उनके ऐसे वेव्स निकलते हैं, किरण निकलते हैं, वो किरण से कम 25 तक जहाँ आदमी ये स्वस्थ रहेगा उसका भला हो जाता है, उसको मन शांति मिलती है, प्राकृतिक स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा स्तूप का ये है, महत्व है। ये सभी इलाके के लोग हर संडे या पूर्णिमा का दिन जाते हैं, वंदना प्रार्थना बोलते हैं, करते हैं, उपदेश भी लेते हैं, सुनते हैं,
हम लोगों को प्रार्थना और उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब के कदम पे ऐसे इधर कार्य चल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आप भला कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही करते रहें, सेवा करते रहें लोगों की और भगवान बुद्ध की। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, उम्मीद करते हैं कि फिर दोबारा हम मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे वंदना शुरू हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। अपना अपना नाम बताते जाइए। सुनीता विजय यशवंतर, स्वाति कांबळे, सविता नाना पंडित, वंदना विलास बिहारी, शोभा ताई, भीमराव लोखंडे, जयवंत जाधव। नाम सर, नाम नाम मधुकर कांबळे, भगवान अपना नाम सर। मैं रुपेश सुदाम जाधव, माझे महापौर वसंत राशा महाराज। मी प्रल्हाद धाट, सिद्धार्थ जागृती संघ सचिव। पंढरी चव्हाण, विनय तांबे, तांबे रिजन ट्रस्ट चेअरमन। मी किरण जाधव। मी अनंत पवार, 820 शाखा। मी अभिजित मनोहर खैरे, जय भीम। जय मन चव्हाण, निर्मळ गौतम नगर। जय भीम। संगीता जगताप, गौतम नगर। जय भीम। नाम बताइए। जय भीम। जय भीम। रेखा कांबळे, नाला सोपारा स्टेशन। जय भीम। मंगल थूल पालाड़। तो गाइस, आइए पहले हम यहाँ पे मिलाते हैं लोगों से। यहाँ पे सर, जय भीम। जय भीम, बताइए यहाँ के बारे में, बताइए जो विकास हो रहा है, पहले क्या था और अभी क्या है, और अभी क्या क्या यहाँ पे विकास में हो रहा है। तो आपको हिंदी में बताना है ना? हाँ, हिंदी में बिल्कुल। पहला सभी को जय भीम। जय भीम। ये 2565 साल हुआ है ये जगह में। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पदस्पर्श से पावन हुआ ये बुद्ध भूमि है। और यहाँ का जो भिक्खु था वो पूर्णा नाम का भिक्खु था, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ बोधगया गया था। उधर से वो अरहंत हो के इधर आया और यहाँ आके तथागत भगवान गौतम बुद्ध खुद इधर आए, 7 दिन इधर रह गए थे। ये पवित्र जगह है,
जो भारत का जो इतिहास लिखा गया तो सुरपारक नगर से इतिहास ये बौद्ध स्तूप से, और यहाँ से तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को भगवान बुद्ध का जो धम्म है बौद्ध धम्म, इसका एक शांति करुणा और प्रज्ञा, इस तीन क्रमक का ये दिया है, शिक्षा दिया है। तो इस नाला सोपारा में शुरपारक नगर में यहाँ अपना बौद्ध धम्म जो है सम्राट अशोक के दो लड़के आए थे, एक लड़के संगमित्रा और महेंद्र, और इससे ये श्रीलंका से गए, श्रीलंका में पूरे उधर से जाने के बाद ये बौद्ध धर्म पूरे विश्व में प्रसारित हुआ। तो ये मूल जगह जो है भारत की, ये भारत का बौद्ध धर्म जो है विश्व में प्रसारित होने के कारण है जो नाला सोपारा है। और ये पवित्र भूमि पिछले 2565 साल को दुर्लक्षित हुई, लेकिन पिछले एक 20-25 साल से हमारे यहाँ के जो बौद्ध धर्म के जितने भी कार्यकर्ते वो सभी का यहाँ सहयोग है। जो यहाँ खंडार था, अब आज हमारे वसईवीरेश्वर महानगर पालिका के अपने महापौर आदरणीय रुपेदादा यादव, इनके बलोत्तर में ये इसका विकास होने में अभी हम लोगों ने थामा है। और वो ये जरूर है कि इसमें 25 साल हो गए ये निश्चित है, लेकिन इसका कुछ नयातर करने का हमारे सबकी कोशिश है। खास करके महापौर ने जो यहाँ लाइट लगाया है, बाकड़ी जो बेंच रखा है लोगों को बैठने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ में इसका पुनर्स्थापन करने के लिए दिल्ली में भी वो गए, और दिल्ली में जाने के बाद जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं यहाँ का, उनका लक्ष्य इधर आया और इससे वो डेवलप धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है। अभी हमारी मनीषा इतनी है कि इतने जितने भी वसई तालुका में बौद्ध धर्म के जितने कार्यकर्ते हैं वो इकट्ठे हो और इस पवित्र जगह का विकास ऐसा हो कि जो पहले थे 2500 साल के पहले जो यहाँ का विकास था वो विकास पुनर्स्थापित करके अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो जितना हमारा इसका ठेका जो है वो ठेका महापालिका के माध्यम से, नहीं तो यहाँ के पुरातत्व विभाग से इसमें अच्छा सुधार हो, और सुधार होते होते बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापन हो, ये हमारी मनीषा है। पिछले 25-25 साल से, अभी 10-12 साल से, 2015 में यहाँ का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 125 जयंती हमने 2016 में वो किया, और उसमें 21,000 लोग, वो उसका कारण था हमारा रुपेश यादव जो हमारे महापौर है, जो उनके बलोत्तर पर हुआ। और ये चाहते हैं हम लोग कि यहाँ का बुद्ध स्थान है, ये स्थान पुनर्प्रस्थापित हो और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ बुद्ध आए थे, जहाँ बुद्ध गए जो उधर उधर उनकी शांति और करुणा के माध्यम से लोगों को अपनाया है। और हमारा धर्म कोई हिंसा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि प्रेम सद्भावना यहाँ जते और नाला सोपारा का नाम पुनर्स्थ बुद्ध भूमि हो, यही हमारी मनीषा है। ये डेवलप ऐसे चल रहा है। बहुत बढ़िया, जय सर। तुम्हें बोला ना तो हमारे रुपेश दादा सामने हैं, और आप भी कुछ बताइए। 2500 साल पूर्व का बौद्ध स्तूप जो बना है, और मेरे ख्याल पूरे विश्व में ये बौद्ध स्तूप का नाम है, और यहाँ पे ही डेवलप नहीं था, मगर सब जो हमारे यहाँ के धम्म बांधव है इनके सबके प्रयास से ये बौद्ध स्तूप का काम चालू हो गया है। मैं अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया, इसके लिए काम चले और ये बौद्ध स्तूप बहुत डेवलप होएगा, और विश्व से यहाँ से यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे, ऐसा एक अच्छा पर्यटक स्थल हम लोग बना रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत हमारे जो जुने कार्य करते हैं सभी, उनका सबका सपोर्ट है और सबके माध्यम से हम यहाँ पर काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम। आप जो देख रहे हैं, जो स्क्वायर है या कुछ सर्कल है, ये जो अरहंत भिक्खु रहते हैं, जो बुद्धत्व प्राप्त होता है उसे पहले का जो स्टेप होता है उनका यहाँ पे समाधि स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे अरहंत आपको दिख रहे हैं। आगे जाके वहाँ पे जो बड़ा पत्थर दिख रहा है जमीन से निकला हुआ, हाँ वो बहुत अंदर है, और वो जब स्तंभ एग्जीबिशन हुआ था, अच्छा, उस समय वो निकला है। अभी यहाँ पे गार्डन का भी काम चल रहा है, लॉन्स इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे लॉन्स डाला हुआ है, अच्छा अच्छा, पाथवे बनाया हुआ है, और थोड़े ही दिन में यहाँ पे टॉयलेट्स बनने वाले हैं,
महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे लाइट्स लगाए हुए हैं क्योंकि रात को भी लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। ये लोगों को आने जाने के लिए पाथवे बनाया हुआ है। शाम के समय में यहाँ पे लोग आते हैं बैठने के लिए। महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे बेंचेस डाले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस लगाए गए हैं कि लोग आके आराम से अपने फैमिली के साथ बैठ सकें और जो सुकून के क्षण हैं यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर यह बात हुए चलने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये जगह की और एक खासियत है। हाँ, यहाँ पे एक आम का झाड़ है। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब यहाँ पे आए थे तो उस झाड़ के नीचे बैठे थे। अच्छा, उसको भी हमें संभाल के रखना है। उसका भी थोड़ा सा आजू बाजू में उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, अच्छा लाइट वगैरह अभी लगे ना? लाइट वगैरह सब अभी लग चुके हैं चारों तरफ? यस यस, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ओर से यहाँ पे काम चल रहे हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे पानी देने का काम चल रहा है। लाइन्स वगैरह डाली गई है। गेट भी देखिए, पहले पाँच यहाँ पे हर संडे रविवार के दिन 8 से 9 के बीच में बुद्ध वंदना मेडिटेशन इस तरह से प्रोग्राम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं मेडिटेशन के लिए, बुद्ध वंदना के लिए। बराबर 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है और बारिश हो या धूप हो पूरे 12 महीने यहाँ पे। अति सुंदर। जय भीम। पूरे 12 महीने यहाँ पे हर संडे बुद्ध वंदना का कार्यक्रम लिया। यहाँ पे चारों तरफ आपको पाम ट्री ही दिखाई देंगे जो कि यहाँ के खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इन पाम ट्री को देखकर और इनके बीचों बीच में सूर्य देव निकलते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत क्षण। चलिए इन फूलों को देखती चलिए अब चलते हैं
गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इस ऐतिहासिक स्थल पर मैं गया और वहाँ पे लोगों से मिला भी और वहाँ के बारे में आपको दिखाया भी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये जो नाला सोपारा में ये जो बौद्ध स्तूप है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, ये पड़ता है पालघर ज़िले के नाला सोपारा में। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो अगर आप लोकल ट्रेन से आते हैं तो आप चर्च गेट से आ सकते हैं, जो कि चर्च गेट से इसकी दूरी 33 किलोमीटर की है। और आप नाला सोपारा स्टेशन पे उतरें, ऑप्शन पर आप उतर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से बस भी निकलती है, जो कि आई थिंक 15 से 20 रुपये लेता है, जो कि आपको बौद्ध स्तूप के स्थान पर आपको ड्रॉप कर देगा। अगर आप ऑटो भी पकड़ना चाहते हैं तो ऑटो भी पकड़ कर जा सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे आप विज़िट करिए, आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।